बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज टीवी। आज की बड़ी शानदार और धमाकेदार खबर, सूबाई हुकूमत का बड़ा फैसला। एक साथ 2022 के बाद भर्ती होने वाले तमाम सिविल सर्वेंट को सीपी फंड का हिस्सा बना दिया गया। इससे पहले भर्ती होने वालों को जीपी फंड मिलेगा। जी, बड़ी खबर, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक बड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बाकायदा तौर पर आज एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक ऐसे तमाम मुलाज़मीन जो एक साथ 2022 या इसके बाद सर्विस में शामिल होंगे, वो अपने सरकारी मुलाज़मीन के लिए, उन सरकारी मुलाज़मीन के लिए एक नया कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम शुरू की है। इस नई स्कीम के मुताबिक मुलाजम अपनी बुनियादी तनख्वाह से एक मखसूस फीसद हिस्सा अपनी पेंशन में बतौर हिस्सा डालेगा। पेंशन का बतौर हिस्सा इसमें डालेगा, जबकि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा इस फंड की बुनियादी मुलाजमत की जो है उसमें शराकत करेगी और कुछ हिस्सा अपना जो है वो भी इसमें डालेगी। इस तरीके से इसका बकायदा तौर पर नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया। इस सिलसिले में सूबाई हुकूमत ने पहले ही सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 के सेक्शन 9 को इसमें फाल किया है और इसमें तब्दीली लेके आई है, और अब इसमें GO 6123 के नाम से एक कोड जारी किया गया, जिसमें ये रकम सारी की सारी जमा की जाएगी। उसके बाद इस रकम को मुख्तलिफ कंपनीज़ में, इंतज़ामी कंपनीज़ को ये तमाम रकम भेजी जाएगी, और इस तरीके से वहाँ से जो मुनाफा मिलेगा वो सारा का सारा उसको दिया जाएगा। तो इसके बारे में बताता चलूँ कि हुकूमत ने इसके बारे में बकायदा एक बड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसमें तमाम मुलाज़मीन की, अब जो भी एक साथ 2022 के बाद मुलाजमत में आएंगे, उन तमाम की कटौती की जाएगी तनख्वाहों से, और इस निज़ाम के तहत उनको पेंशन दी जाएगी। पेंशन वाला पहला निज़ाम जो है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा, और इस तरीके से यह हुकूमत की तरफ से एक बड़ा फैसला सामने आ गया।